मेरे हाथ में ये बरेली किंग है, इसमें टाइगर छपा हुआ है और सामने तो हमको साक्षात लॉयन दिख रहा है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इतना फिटनेस का राज और मतलब कैसे मेंटेन करा हुआ है इतना? मेंटेन काम को ही लेकर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो काम फिट कैसे होगा? सही बात है। सुबह 3 घंटा सामान रोज डेली पीसते हैं, कभी डब्बे में पैक करके नहीं रखते हैं, डेली की डेली बनाते हैं, डेली की डेली लगाते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी, दिस साइड ऋषभ। तो ये जो वीडियो है बेसिकली एक बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है, आपको एक मिसाल मिलेगी इस वीडियो से। तो आज मैं बताना चाहूँगा, आज हम आए हैं रिजवान भाई के अड्डे पे, जो कि इस समय के बहुत ही उभरते हुए कारीगर हैं, बहुत शानदार मांजा बना रहे हैं। आपने ब्लॉग सुना होगा, बहुत फेमस इस टाइम का ब्लॉग है, लाखों कारीगरों के बीच में से, लाखों ब्लॉग के बीच में से निकल के आना, अपना नाम इतनी बड़ी मंडी में बनाना, इतने बड़े मार्केट में बनाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रिजवान भाई का जो ब्लॉग आता है वो आता है बरेली किंग नाम से, बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। ये देखिए हमारे रिजवान भाई बैठे हुए हैं। और रिजवान भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, इतना बढ़िया आपका ब्लॉग चल रहा है, बहुत शानदार, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ब्लॉग का और इतने कम वक्त में। सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ तो ये है कि इतने कम वक्त में हमारे रिजवान भाई ने इतना अच्छा नाम बना लिया है। और एक चीज़ और, अभी कुछ वक्त में ही आपको हमारे रिजवान भाई एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाले हैं। रिजवान भाई, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके कितने व्लॉग आते हैं? मेरा तो सिर्फ जो ट्रेंडिंग में इस टाइम जिसमें मेरा मेन फोकस है, वैसे तो एक ब्लॉग और था किंग नाम से जी, लेकिन उसे मैंने अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर रखा है। लगभग एक साल से मेहनत है जी, वो मैं बरेली किंग पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब ये है कि इनका केवल और केवल एक ब्लॉग आता है, पहले एक और आता था किंग नाम से, इस टाइम इन्होंने उसी को मॉडिफाई करके बरेली किंग कर दिया है। और मतलब ऑप्शन ही नहीं है सामने वाले के पास, जिस प्राइस रेंज का इनका मांझा है आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितना सारा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। देखिए ब्लॉग एक है लेकिन मटेरियल कितना सारा, इतने छोटे छोटे से डिब्बे, बताइएगा मत कुछ क्या है ना इतना सारा सामान लिया हुआ है हमारे रिजवान भाई ने। सबसे साइड रखते हैं वरना पता चला लोगों को थोड़ा सीक्रेट पता चल गया, सीक्रेट रेसिपी है हमारे रिजवान भाई की। तो अड्डों पे समय बहुत शानदार डोरें प्रिपेयर हो रही हैं, ये डोर देखिए, और कलरफुल मांझे बनाते हैं, बहुत शानदार कलर है मांझे के, ये देखिए है, ये देखिए फोकस हो गया, ग्रीन कलर का मांझा है, बहुत शानदार है। और एक चरखा मेरे पीछे रखा हुआ है, चरखा भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लगाया हुआ है, बहुत अच्छा चरखा लगा हुआ है, पूरी ब्रांडिंग है इसके ऊपर, बरेली किंग प्रेजेंटेड बाय रिजवान अली। और ब्लॉग तो भैया दिखाया ही नहीं हमने, सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखिए, बरेली किंग का ब्लॉग है ये, और मांझा तो बहुत शानदार है। तो रिव्यू करते हैं, देखिए अभी एकदम ताज़ा ही मांझा है ये, जस्ट अभी उतर के आए हैं, और भाई मांझा एकदम स्मूथ, लोच या जिसको कि टेम्पर बोलते हैं। रिजवान भाई, आपकी डोर किस घर पे या कैसे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देती है, अच्छी लड़ती है? बेटर की बात ये है भाई, अपनी जो क्वालिटी है उस पर काम इस तरीके से किया गया है जी, कि चाहे वो दूर का पेच हो जी, चाहे वो करीब का हो, खींच के फांस के जैसी भी, हर चीज़ में रिजल्ट दे रहा। बिल्कुल सही बात, और दे रहा है जी, ये आपको पता चला होगा इस बारे में कि हर चीज़ में रिजल्ट है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप इसे कैसी यूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। मैंने अपनी क्वालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें रखी है कि वो कहीं मार नहीं खाएंगी। बिल्कुल सही बात, बाकी जो होता है आगे हम काम करते रहेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल, और बरेली किंग जब स्टार्ट किया था तो कुछ था, आज कुछ और है। बिल्कुल सही बात, काम कर रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से कोई मतलब कंप्रोमाइज ही नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात, समझ में आ रही है। डोर के अंदर ये आज अभी की ताजी डोर है, सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन टेम्पर के हिसाब से देखिए, लोच भी देखिए डोर में और शार्पनेस भी देखिए आप, बहुत मतलब एकदम सधी हुई धार है डोर की। माशाल्लाह आप स्मार्ट बहुत लग रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी खूबसूरती का राज बताइए। तो सूर्य मेहनत मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप चेहरे पे आपके चमक जो है इसका राज बताइए। माशाल्लाह अभी चमक गया है, सुबह से बैठे हैं, सुबह 3 घंटा सामान रोज डेली पीसते हैं, कभी डब्बे में पैक करके नहीं रखते हैं, डेली की डेली बनाते हैं, डेली की डेली लगाते हैं ऐसा। और ये हेयर कटिंग कहाँ करवाई आपने? ये कहीं अपने नजदीक में सैलून है, वैस नाम का, छोटा जावेद अभी कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। फिलहाल मांझे को लेके तो आपको मैंने बता दिया। बिल्कुल सही बात है, और जो आपकी डोरे लग रही हैं वो भी एक्स्ट्रा मैंने काम किया है उसके ऊपर। बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर देखिए, मेरे हाथ में ये बरेली किंग है, इसमें टाइगर छपा हुआ है
और सामने तो हमको साक्षात लॉयन दिख रहा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इतना फिटनेस का राज और मतलब कैसे मेंटेन करा हुआ है इतना? मेंटेन काम को ही लेकर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो काम फिट कैसे होगा? सही बात है, तो पहले खुद को फिट करो फिर काम को फिट करो, तो उसमें ज्यादा रिजल्ट। बिल्कुल सही बात, हम एक्टिव नहीं होंगे तो काम हमारा एक्टिव वैसे ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये पहले अपना भी ख्याल रखो बाद में काम का उससे ज्यादा ख्याल रखो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये था बरेली किंग जो ब्लॉग है, बहुत शानदार मांझा है, इस समय का बहुत अच्छा उभरता हुआ, मतलब बहुत एकदम चमचमाता हुआ सितारा है इस समय। और सवाल मैं रिजवान भाई से और पूछना चाहूंगा कि देखिए, जैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमारा ब्लॉग कहीं पे भी लड़ता है, तो लेट सपोज कि आपका ये जो मांझा है, लेट सपोज किसी से नहीं लड़ा, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है, जैसे शाहिद भाई के पास है फिलहाल, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी हुई है और काम भी करा हुआ, तो काम जब काम इंसान मेहनत करता है तो उसे पूरा भरोसा होता है। बिल्कुल सही, मैंने मेहनत की है, ठीक है, मेहनत के हिसाब से मैं इस बात को आपसे कह रहा था, कॉन्फिडेंस के हिसाब से। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है तो बात, शाविद भाई है जो मेरे दुकानदार हैं, उनसे मैंने कह रखा है कि ये आप अपना लीजिए और मुझे बताइए क्या दिक्कत है। आपका चरखा नहीं लड़ा तो उसका क्या सोल्यूशन है? सर सोल्यूशन वैसे तो मैं बताया कि आपको मैं माल का पूरी गारंटी लेता हूँ जी, और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो जो भी मेरे दुकानदार हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं उस सवाल को मैं बदलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको और शाहिद भाई को माल जो दिया था जी जी, और देता आ रहा हूँ, आज तक आपके पास कोई चरखा मेरा वापस आया? देखिए पहली बार हमने किसी सवाल लिया, उल्टा किसी और ने हमसे सवाल कर लिया। देखिए इनका चरखा आज तक हमारे पास कोई वापस नहीं आया, मेरे क्लब में भी इनका चरखा है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स दे रहा है इनका चरखा, और आज तक इतने टाइम से हम इनका माल सेल कर रहे हैं, आज तक इनका एक भी चरखा हमारे पास वापसी का नहीं आया, रिकॉर्ड है इस बात। देखिए रिजवान भाई ने हमसे सवाल पूछा कि आपके पास चरखा वापस आया कि नहीं आया, तो हमारे पास तो नहीं आया। यही सेम सवाल मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि देखिए हज़ारों लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, तो आप में से जिस किसी ने भी परचेज किया है, अगर आपको कोई भी कंप्लेन आई है तो आप हमको बताइए कमेंट्स में, आप बता सकते हैं। और अगर किसी को बाय चांस आई है, मेरे हिसाब से तो वैसे नहीं आई है, और किसी को बाय चांस अगर आई है तो आप हमें बताइए, हम ट्राई करेंगे कि जो उसमें खामी है उसको भी रिजॉल्व कराने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, और गारंटी भी ले लेंगे कि उस खामी को हम रिजॉल्व करवा दें। जिस किसी ने भी ये मांझा परचेज किया है वो हमको रिव्यू दे सकता है अपना, और मैं इसकी खुद से ही गारंटी लेता हूँ, खुद भी गारंटी लेता हूँ। इनकी जो प्राइस रेंज है, पहली बात तो उस प्राइस रेंज में बहुत कम मांझे आते हैं, मिलते ही नहीं है इस प्राइस रेंज में इस क्वालिटी के मांझे, और जो ऊपर की रेंज के मांझे हैं, मतलब कि 2500, 3000, 3500 और भी या तो ऊपर ऊपर के, उनसे भी आप कंपैरिजन कर लेंगे या उनसे भी लड़ा के देख लेंगे, तो कहीं से भी ये डोर 19 नहीं बैठेगी, हमेशा 21 ही बैठेगी। और भैया पूरी गारंटी तो हमारी है ही है इसके ऊपर, रिजवान भाई ने भी गारंटी ले ली है और हमने तो गारंटी ले ही ली है, तो हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं अपने तरफ से कि एक बार इसको ले कर ज़रूर देखिए, गारंटी है कि आपको 100 में से 110, 120% रिस्पॉन्स ज़रूर से ज़रूर मिलेगा ही। तो ये रही कुछ बातें बरेली किंग के अड्डे से, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं हमें और इतना ज़्यादा प्यार जताते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा वीडियो एंड करने से पहले, देखिए अभी रिसेंटली हमने आपको दिखाया था, एक अपडेट दी थी, रील अपलोड करी थी रामपुर वर्सेस बरेली का, तो उसमें भी हमने दिखाया था और वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने बरेली के किसी दूसरे कारीगर का मांझा अपने गेम में यूज़ करते हुए देखा है। तो उस गेम में हमने देखा कि बरेली किंग जो है हमारे रिजवान भाई का, वो मांझा यूज़ हो रहा था, तो ये बात किसी भी कारीगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात तो हमने देखा ही नहीं कि बरेली में किसी और कारीगर का मांझा यूज़ कर रहा है, तो अगर यूज़ कर रहा है भाई बरेली में ही आदमी, तो बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि एक बार ज़रूर ये मांझा ट्राई करके देखें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर किसी के पास कोई सजेशंस हो तो कमेंट्स में हमको बता सकता है। चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ये जो मेहनती कारीगर हमारे रिजवान भाई हैं, इनका मांझा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे कि लोगों को पता चले कि इस प्राइस रेंज में भी हद से ज़्यादा अच्छा मांझा मिल सकता है आपको। तो बस ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई सजेशंस हो तो कमेंट्स में बताइए। तो बस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय गाइस।